हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2023 की नीलामी में अब करीब करीब 3 हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। लेकिन ऐसे में आईपीएल की नीलामी के जब काउंटडाउन में सभी फैंस लगे हुए थे, उसी बीच बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल की नीलामी की तारीख को अब चेंज किया जा चुका है। इसके साथ ही अब आईपीएल की नीलामी की तारीख हमें एक नई डेट को देखने को मिलने वाली है। तो आईपीएल ऑक्शन की नई तारीख, इसके साथ ही नया वेन्यू और सारी की सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2023 की नीलामी के अनाउंसमेंट में बीसीसीआई के द्वारा क्लियर कर दिया गया था कि 23 तारीख को यानी कि 23 दिसंबर को कोची में हम सभी लोगों को आईपीएल की नीलामी देखने को मिलेगी। और इसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया था कि 15 दिसंबर तक हर एक आईपीएल टीम को अपने अपने और इसके साथ ही जितने भी प्लेयर्स दुनिया भर से आईपीएल की नीलामी में अपना नाम देना चाहते हैं, अपने नाम को सबमिट करना चाहते हैं, उन सभी प्लेयर्स को अपने अपने नाम को देना पड़ेगा। उसके बाद 15 तारीख के बाद किसी भी प्लेयर के ऑक्शन में आने या फिर ऑक्शन में नाम देने के बाद बाहर निकालने के डिसीजन को बीसीसीआई डिस्कार्ड कर देगी। तो सारी चीजें काफी ज्यादा स्मूथली जा रही थी, लेकिन अब आईपीएल की नीलामी को बीच में ही चेंज करना पड़ा है। जहां पर अब अगर बात की जाए कि किन कारणों के चलते हुए आईपीएल की नीलामी की तारीख को बदला गया है, तो इसमें सबसे पहला और जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि बहुत सारी आईपीएल टीमें क्रिसमस हॉलीडे के चलते हुए 23 तारीख को आईपीएल की नीलामी में नहीं आना चाहती थी। दरअसल काफी सारी आईपीएल टीमें जैसे कि दिल्ली कैपिटल, इनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स, उनके साथ ही मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, ये सारी टीमें नहीं चाहती थी कि 23 तारीख को आईपीएल का ऑक्शन कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि 25 तारीख को हमें क्रिसमस देखने को मिलता है। ऐसे में ये अपनी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ऐसे में इन्होंने बताया है कि कोची आने के लिए इनको ट्रैवल करना पड़ेगा, और ऐसे में ये ट्रैवल करके ऑक्शन के लिए ऑफलाइन के तौर पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपको नीलामी के लिए आना है तो फिर आपको कम से कम 2-3 दिन का वक्त चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग क्रिसमस के चलते हुए, क्रिसमस हॉलीडे के चलते हुए नीलामी का पार्ट नहीं बनेंगे। दूसरा जो बड़ा रीजन निकल कर आया वो था विमेंस आईपीएल का क्लैश होना। दरअसल विमेंस आईपीएल का टेंडर भी हमें जल्दी ही आउट होते हुए देखने को मिलने वाला है, जिसमें 6 टीमें शामिल होंगी। तो वो आईपीएल की नीलामी के साथ क्लैश कर रहा था, जिसके चक्कर में बीसीसीआई ने अब आईपीएल की तारीख को 23 तारीख से हटा दिया है। अब गाइस, अगर बात की जाए आईपीएल की नीलामी हमें अब कितने तारीख को होते हुए देखने को मिलेगी, तो पहले 23 दिसंबर को आईपीएल की नीलामी होनी थी, लेकिन अब इसको हटाकर जनवरी के महीने में करने की प्लानिंग फाइनलाइज की जा चुकी है। जहां पर अब आप लोगों को जनवरी के पहले हफ्ते में आईपीएल की नीलामी होते हुए देखने को मिल सकती है। और हालांकि वेन्यू की बात की जाए तो आप लोगों को कोची में ही नीलामी देखने को मिलेगी। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।